मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑन चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट वन। इसमें हम 25 ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, कार्डियम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु एवं केरल एवं तमिलनाडु। कार्डियम पहाड़ियाँ को इलायची की पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल के दक्षिण पूर्व हिस्से में तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर, दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतरोही है। इसका सही आंसर होगा संतोष यादव। संतोष यादव भारत की दूसरी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक विजय हासिल की थी। भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल है जिन्होंने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगर विश्व में देखें तो जुंको तावेई जापान की महिला है जिन्होंने 1975 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। इसका सही आंसर होगा सैंडल पीक। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर अवस्थित है। इसकी लंबाई 332 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, चार नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा यहीं से प्राप्त हुई थी। कोल्लूर की खान से ही कोहिनूर हीरा प्राप्त हुई थी जिसके कारण आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइव नंबर, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। इसका सही आंसर होगा टोड्डा। टोड्डा जनजाति मुख्यतः नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। आगे देखेंगे, सिक्स नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर होगा शांगपो। शांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के आंगशी ग्लेशियर से निकलती है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा शिखर के पास यू टर्न लेती हुई प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में यह जमुना के नाम से जानी जाती है। आगे देखेंगे, सेवन नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी के बड़े आकार एवं विस्तृत होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है जबकि कावेरी की बात करें तो यह इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। कावेरी का उद्गम स्थल कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश की नदी है। नर्मदा ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्त घाटी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें गलत आंसर को टिक लगाना है। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। प्रेरीज घास की मैदान है उत्तरी अमेरिका की। पंपास दक्षिणी अमेरिका की घास की मैदान है। पंपास मुख्यतः अर्जेंटीना की घास की मैदान है जो दक्षिणी अमेरिका में है। अस्टेपिज यूरोप की है जबकि बेल्ड दक्षिणी अफ्रीका की घास की मैदान है। ऑस्ट्रेलिया की घास की मैदान को डाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइन नंबर, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत में थार मरुस्थल स्थित है जो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल में ही संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है तथा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है।
जो उत्तरी अफ्रीका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा बैकाल झील साइबेरिया में स्थित है, इसलिए इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिन नदी किस नगर से होकर बहती है? इसका सही आंसर होगा पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जिससे सिन नदी होकर बहती है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? 12 नंबर का सही आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्यों में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे देखेंगे, 13 नंबर। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? इसका सही आंसर होगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में पानी धारण जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे ज़्यादा पानी इसी मिट्टी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? इसका सही आंसर होगा बाणसागर। बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है, जबकि तीन ऑप्शन बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, ये तीनों बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर मुख्यतः 30 बांध की श्रृंखला है, जिनमें से ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर बांध या झील का नाम है, इधर नदी है। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, कोलेरू झील कृष्णा नहीं बल्कि गोदावरी एवं कृष्णा नदी के दोआब क्षेत्र में स्थित है। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर है, यह हिमाचल प्रदेश में है। 3 नंबर, उकाई जलाशय या ताप्ती नदी पर है, यह गुजरात में है। बुल्लर झील झेलम नदी पर या जम्मू कश्मीर में है। आगे देखेंगे, 16 नंबर। काली क्रांति संबंधित है? इसका सही आंसर होगा कच्चा तेल उत्पाद से। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। आगे देखेंगे, 17 नंबर। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है? इसका सही आंसर होगा गुजरात के और अन्य तेल क्षेत्र हैं, जैसे कि अंकलेश्वर, कलोल, बारकोल, ये सब गुजरात के तेल क्षेत्र हैं। असम की बात करें तो असम में भारत का सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई है, तथा नून माटी भी तेल शोधक असम की ही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, 18 नंबर। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है? इसका सही आंसर होगा बलुआ पत्थर से। चूना पत्थर के परिवर्तन से संगमरमर बनता है, जबकि शैल से स्लेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर। नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? इसका सही आंसर होगा तृतीयक कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। तमिलनाडु का नवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर ही आधारित है, और लिग्नाइट कोयला 80% भारत का 80% तमिलनाडु में ही होता है। आगे देखेंगे, चुन्नार प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा सीमेंट उद्योग के लिए। चुन्नार यूपी के मिर्जापुर में स्थित है, और यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, पिपरी, जो यूपी में स्थित है, यह जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। रामागुंडम उर्वरक के लिए, यह तेलंगाना में है। रामागुंडम
चितरंजन लोकोमोटिव के लिए कोरबा, अल्मोनियम के लिए कोरबा छत्तीसगढ़ में है। आगे देखेंगे 22 नंबर, डिंडीगुल नाम है। डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। डिंडीगुल में ही हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से शस्त्रागार स्थापित की थी, इसलिए यह नगर प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे 23, सूर्य और पृथ्वी के बीच ग्रह है। इसका सही आंसर होगा बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र एक दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति। आगे देखेंगे 24 नंबर, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर पर सूर्य के किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ उच्च एवं निम्न तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है और इसलिए यहाँ वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जबकि दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका सही आंसर होगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इक्वाडोर की ज्वालामुखी है, एटना इटली की, फ्यूजियामा जापान की। ये तीनों ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर 2, 3, 4। जबकि एक कांकागुआ, यह एक दक्षिणी अमेरिका के पर्वत शिखर है, ना कि ज्वालामुखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।